बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सरयाम का ये खुसूसी प्रोग्राम लाहौर के लिबर्टी चौक से पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज करने के सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं, आम लोग हैं। हम इनके सामने पीर हक खतीब साहब की जानिब से परफॉर्म किया जाने वाला एक करतब, एक ट्रिक, एक इल्यूजन, नजरों का एक धोखा इनके सामने करके दिखाएंगे, जिसे वो करामत कहते हैं। और फिर हम इन लोगों से पूछेंगे कि क्या ये कोई करामत थी या महज नजरों का धोखा था। और बदकिस्मती से तरीकत के नाम पर, औलिया कराम के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर पीर हक खतीब की जानिब से लोगों को बेवकूफ बनाए जाने का सिलसिला जारी है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को असल हकीकत से आगाह कर सके। और यहाँ लोगों के दरमियान ही हम इंशाल्लाह इस मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इब्तदाई तौर पर हम यहाँ मौजूद अहबाब से ये जानते हैं कि उन्होंने पीर हक खतीब साहब के वो ट्रिक्स के जिनमें वो मुंह से लोहे की गोलियां, लोहे की सुइयां और कीले बरामद करते हैं, आग से जंजीर बरामद करते हैं, जख्म से वो चेन्स बरामद करते हैं, लोहे के पाइप बरामद करते हैं, क्या इन्होंने वो देख रखी है। हमारे पास भी अब एक मरीज यहाँ पे आ गया है और हम इस मरीज के मुंह से भी कोशिश करेंगे कि लोहे की गोलियां, सुइयां और कीले बरामद कर सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप सब में जरा मुझे ये बताइए कि आप सब ने पीर हक खतीब साहब का वो जो एक मरीजा के मुंह से कीले और गोलियां और सुइयां बरामद कर रहे हैं, वो किस किस ने देख रखा है? अगर प्लीज आप हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा ठीक है जी, इनमें से बहुत सारे बल्कि गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? खैरियत है। आपने देखा तो क्या लगा आपको? देखा हैरानगी तो हुई है। अच्छा, अगर कोई दम की वजह से अगर कोई चीज इस तरह निकलती है, ठीक है जी, या वो कहते हैं कंटिन्यू निकलती है तो अचानक बंद हो जाती है, हम पीर साहब के पास आए तो ये दम किया तो ये निकलना शुरू हो गई है, तो बंदा हैरत में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। हैरान तो हुए हैं, लेकिन अब आपने एक्सपोज करना है, आपने पकड़ आपके सामने जी, ये सारे लोग यही की मार्केट की है ना जी, कोई ऐसा और किसने वो ट्रिक देखा हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सेहत दे। तो क्या हुआ था आपको भाई? भाई कुछ भी नहीं, बस मैं करीबन 6-7 बार ही गया हूँ उनके पास दम करवाने के लिए, तो मुझे कहते हैं जी बेटा क्या हुआ? मैं कहा जी पैदाइशी है, कुदरती है। कहते हैं जी तो दुनिया में आपका पहले ही देखा इतना बड़ा पाँव। मैं कहा जी आपकी शान है। कहते आपका पाँव छोटा हो जाए। मैं कहा जी। कहते जाओ आपका पाँव छोटा हो गया। तो छोटा हो गया? नहीं हुआ, नहीं है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आप अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं कि आप गए उनके पास? हाँ जी। और उन्होंने कहा कि छोटा हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, और ये जब आपने वीडियो देखी थी कीले निकाल रहे हैं मुंह से और इस तरह, आपके जहन में क्या आता था उस वक्त? उसमें जहन में अजीब सी फीलिंग आती है, क्या हो रहा है जा, कोई मामला। लेकिन आपको आराम नहीं आया? आराम नहीं आया। ठीक है, ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमें आराम आ गया और उनके अब वो देख रहे हैं हम चेले कुछ आके वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी गए हैं जी? मैं गया हूँ, ये हम ये वीडियो जो चलती थी वो हम देखते रहे जी, देखते थे। मेरा साला है जी, वो गिरा है तीसरी मंजिल से, उसकी जो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैराडाइज। तो हमने भी कहा जी दम करवाए जी, हमें लगा जी ऐसे कुछ उसके अंदर वो आ जाए, थोड़ा सा हरकत होनी शुरू हो गई है। अच्छा जी। तो हम तीन दम करवाने के लिए हम वहाँ गए हैं, पर उसके बस वही जो हरकत सी हरकत से भी गया जी, अब वो पैरालाइज है जी। अच्छा जी, चले चुप जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप जानते हैं जी उनको? मैं भी गया था इवानी कमाल में। अच्छा, तो खतीब साहब से मिला था मैंने। अच्छा, मेरी बेटी को भी पैरालाइज है पाँव से, तो उन्होंने कहा जी दुआ करें और ये आपने माथे के ऊपर हाथ रखें सब, हाँ जी, तो ठीक हो जाएगा, शुफ शुफ करते रहे। हाँ, तो वो हम सब बैठे हुए थे इवानी इकबाल में, हम गए थे ना, तो अभी बरावला कोर्ट में तो नहीं गए थे, तो मैंने अपनी मिस को कहा था, मैंने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, ये शोभदाबाजी है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर चीज का पता है। कहते ये नहीं, वो लोगों काम कर, मैं कहा नहीं, फिर मैंने कहा ये कुछ करता हो तो मैं हॉस्पिटल में आ जाए, जितने लोग लेटे हैं उसको शुक शुक करके ठीक करते हैं, ठीक है, फिर तो अस्पताल ही बंद हो जाए। अगर इतना नॉलेज है तो मेरी जेब में जो कुछ है बता दे। वो बता दे, खुद लोगों से मांग मांगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत? आप वैसे वो जानते हो पीर खतीब साहब जो शुभ शुभ करके मुझे फूंके मारते, किसी ने देखी हुई उनकी वीडियो? अच्छा अच्छा, आपने देखी होगी, आपने देखी है उनकी? अच्छा नहीं, आपने भी देखी। चले, और आप में से कोई आप गए हैं उधर? अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है, मुझे मरीज हमारे मौजूद है जरा इनके हम करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इतने लोगों में से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मुतासिर हैं उनसे, उनकी वीडियो से। सर जी मैं तो नहीं यकीन करें, मैंने हमारे मोहल्ले में एक परचून वाला है। अच्छा, उन्होंने उनकी तस्वीर लगाई हुई दुकान पे। अच्छा, वो कहते जी हमारे मुर्शिद है, ओ वो उनको मुर्शिद कहते हैं। ठीक है, सारे लोग उनके मानने वाले ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता बिल्कुल सर। ठीक, आपने उनकी वीडियो देखी वकीलों वाली? देखी, इस्लामाबाद भी गया हूँ, उनको देखा है वहाँ पर। अच्छा, उन्हीं के अंदर बंदे होते हैं 5-6,
वो उन्हीं के ही होते हैं, वो सीखे हुए होते हैं, जो फूक मारते हैं वो नीचे गिर के जी उसको थापी मारी ठीक हुई है। ड्रामेबाजी है, आपने कुछ अपनी आंखों से देखा देखे हैं तो आपके ख्याल में सारा उनकी मार्केटिंग एजेंट ही फिर रहे होते हैं। ये बात ठीक है जी, चले ये बाबू ने रखे होते हैं। हाँ जी, यो जिन निकाल रहे हैं वो बंदा ऐसे हो जाता है, वो खुद ही आते हैं। तो ये बात ठीक है जी, चले हम जरा एक पहली करते हैं, कोशिश करते हैं जी। ये मरीज है एक समझ ले, मैं पीर खतीब से बड़ा पीर हूँ, पीर सैयद इकरारुल हसन, और हम देखते हैं कि इनके मुंह से कुछ निकलता है नहीं निकलता। फिर उन्होंने एक बच्ची के मुंह से चेन भी निकाली है, तो इन्होंने वो जो एक चेन है, पहले मैं चाहता हूँ जरा, तो वीडियो आपने देख ली, अब वही काम जरा हम भी करते हैं, मेरे हाथ में वो तो नहीं है लेकिन चले जी जरा। हाँ जी, ओ तेरी खैर, लॉर्ड भाई क्या बात है यार, वाह वाह वाह, छोड़ो 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 भी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये ए के साला खड़े हो जाए जी, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, लो जी ये कीले चेन जरा उठाएं ना जी, ये दिखाएं जरा जी, ले जी, कितनी कितनी लंबी है जी, तकरीबन कोई 3 फुट की होगी, 2.5 फुट की, एक गज की चेन, एक गज की है। ये क्लैपिंग किन के लिए, पीर के लिए या मरीज के लिए? हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बड़ी हेल्प हुई उनको एक्सपोज करने में। अभी वो ये मुमकिन है जरा कीले और मैं निकाल दिया, इससे पहले आपने हमारे साथ वो कीले भी निकाली, गोलियां भी निकाली और सुइयां भी बहुत बड़ी तादाद में निकाली, तो ये सारे हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे वहां जा भी चुके हैं, उनको देख भी चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं, तो ये जरा बताएं कि ये कौन सी करामत की आपने? ये करामत नहीं है, जस्ट ट्रिक्स है, ये नॉर्मल रैंडम एक इल्यूजन है जो हम मैजिक कहते हैं, ये सिंपल वही है। ऑलरेडी कुछ चीजें हमने पहले से मुंह में होल्ड रखी होती है कि जो हम किसी ऐसे बंदे को, ऐसे मरीज को जो हमारा प्लांटेड होता है उसको कह देते हैं कि ये चीजें इस तरह से आपने होल्ड करनी है, जब आपको बुलाया जाएगा तब आपने आके उसके बाद जो मैं भी मंत्र शंत्र पढ़ूंगा, दम करूंगा, देन आपने अपने टाइमिंग पे वो चीजें 1 2 3 4 5 6 किले 7 किले निकल, 1 गज से ज्यादा तकरीबन 4 फुट की चेन है, 4 फुट की चेन, 7 किले और इन्होंने सुइयां भी तकरीबन 100-150 निकाली, तकरीबन पिछली वीडियो में 100-150 सुइयां भी थी, बुलेट्स भी थी। अब ये कैसे होता है जरा हम पूछते हैं, पहले जरा दोबारा लोगों से बात करते हैं। आपने देखा जी, आप खैर देख नहीं रहे इस तरफ था लेकिन आपने असल में यूं है कि वो 100% झूठ ही होता है जी। सर जी, जो सच्चे होते हैं ना वो इधर टीवी पे नहीं आते, वो लोग वो अपना ये दिखाते नहीं है मीडिया के ऊपर, वो सिर्फ लोगों को कैल करने के लिए, जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको फंसाने के लिए मार्केटिंग हो रही है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो सीधे लोग होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं। चले जी, ये मरीज दोबारा चले गए बीमार होने के लिए, और अब वापस आएंगे तो फिर सुइयां, कीले और भी जरा गोलियां भी निकालेंगे मुझे।